जनवरी माह में इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए जबरदस्त तैयारी भी की जा रही है। इंदौर के विकास प्राधिकरण द्वारा एक अनूठी पहल की जा रही है, पधारो मारा घर। इस अनूठी तर्ज को अतिथि देव भवन के तर्ज पर ही बनाए रखा गया है और इसमें कई इंदौर के समाजजन द्वारा जो है एनआरआई जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले मेहमान हैं उनकी मेजबानी करने के लिए कई समाजजन भी यहां पे सामने आए, जिन्होंने अपने घर में उनको ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ में ही ऐसे एक महेश्वरी समाज के अध्यक्ष हैं राजेश मुंगड़ जी, हमारे साथ में मौजूद। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आपने इस अनूठी पहल में हिस्सा लेना है। मैं सर्वप्रथम तो इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई श्री जयपाल सिंह जी चावड़ा को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी एक अच्छी अनूठी पहल के तहत पधारो मारे घर की जो एक योजना लागू की है, जो सर्वप्रथम शायद इस देश में पहली बार हो रही है, जिसमें उन्होंने माहेश्वरी समाज जनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। हम करीब 20 माहेश्वरी समाज के वरिष्ठ जन जब पहली बार विकास प्राधिकरण गए तो उनके द्वारा जो पूरी योजना को बताया गया, तो हमारे सभी लोगों ने उस योजना को एक मूर्त रूप देने की योजना बनाई और सबको वो योजना अच्छी लगी। उसी कड़ी में करीब 18 परिवारों द्वारा सहमति दी गई थी कि हम इस योजना में शामिल होकर हमारे घर में हम हमारे जो भारतीय जन आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए हम आगे हैं। तो उसी कड़ी में जब विकास प्राधिकरण द्वारा अलग अलग उसका वो करवाया गया, इसमें एक मेरा परिवार भी चिन्हित किया गया और वो सर्वे में ओके हुआ है। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि आज हम हमारा पूरा परिवार इस आतिथ्य को लेकर बहुत खुश है, क्योंकि जो संस्कृति मालवा की रही है और उसी संस्कृति के तहत इंदौर का जो एक आतिथ्य है उस आतिथ्य को हम साकार रूप देने जा रहे हैं। आने वाले समय में जब हमारे बीच में हमारे जो मेहमान आज मेहमान है परिजानी वो मेहमान के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनको अपने बीच में पाकर खुश हैं, ऐसा हमारा सबका मानना है, उसी चीज़ की हम तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा मुंगल जी, जिस तरीके से आप परिवार आने वाले हैं, आपके यहाँ मेहमानी उनके आपको मिल रहा है उसका अच्छा मौका, तो ऐसे कितने परिवार हैं जो वहाँ से प्रवासी जो हैं एनआरआई हैं, तो अपने घर पर अपने घर पर जो उनको रुकवाने का? नहीं देखिए, ये शासन के द्वारा अलग अलग रूप में तैयारियाँ की गई है, जिसमें हमारे परिवार के अंदर 2 एनआरआई परिवारों के रहने की व्यवस्था की गई है, और एक तो मॉरिशस से आ रहे हैं और एक शायद जहाँ तक के यूके से आने वाले हैं। तो हम उनके स्वागत के लिए हमने इस टाइप की प्लानिंग की है कि सर्वप्रथम घर पर आगमन पर जो वेलकम करते हैं, जैसे दिवाली मनाने के समय रंगोली मनाकर फूलों की रंगोली बनाकर हम उनका वेलकम करेंगे, साथ ही हर सुविधाओं का हमने घर में तैयारियां की है। रूमों को अपने हिसाब से अलग से तैयार किया है, क्योंकि आज एनआरआईज हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हम भी जैसे कभी विदेश जाने की कल्पना करते हैं तो क्या रूप होना चाहिए, उसी के तहत हमने तैयारियां की है। उनकी सुविधाओं के लिए हमने ये भी देखा है कि बाहर से आने पर वहाँ के मौसम में और यहाँ के मौसम में काफ़ी अंतर होगा, तो उनकी सुविधाओं के लिए हमने बाकी जो ट्रीटमेंट मेडिकल सुविधाओं का भी अरेंजमेंट किया है, साथ में उनके हर स्वरुचि के हिसाब से मतलब खाने के लिए या दूसरी व्यवस्थाओं के लिए पूरी तैयारी की है। अच्छा, जैसे बात की जाए तो कुछ लोग होते हैं जिनका स्पोर्ट्स में भी ध्यान होता है और कुछ योगा में भी होता है, तो उस तरीके से कोई? मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर विशेष रूप से टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, अलग अलग रूप की जो व्यवस्था है उसकी भी परिवार में तैयारी है। हम ये स्पोर्ट्स की सुविधाएं तो देंगे ही, साथ में योगा के लिए हमारे पास ऊपर अलग से एक पूरा वो सेंटर बना रखा है, जिसके अंदर वो अगर उनकी रुचि होगी तो उसमें वो शामिल हो। अच्छा, देखा जाता है कि अलग अलग कुछ लोग होते हैं, सबको खाने का व्यंजन भी कुछ अलग अलग होता है, तो उनकी डिशेस वगैरह या मालवी भोजन ऐसे क्या उनके लिए खास पेश कर सकते हैं? ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मालवा की जो विशेष रूप से डिश है, हम मक्का की बाटी कहें या अलग अलग रूप की जो बाटियां हैं, वो तैयारियां देखिए, इसमें भी विशेष ये हमारा सोचना है कि जो उनकी रुचिकर होगा। हम स्वीट्स का जो मामला है, बाजार से बुलाने की जगह हम हमारे घरों में इस टाइप की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें हम विशेष रूप से कहेंगे अंजीर की मिठाई, मतलब अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हम तैयार करवा रहे हैं। अच्छा, जैसे यहाँ से उनको कहीं महाकाल जाना हो या ओंकारेश्वर जाना हो तो ट्रेवलिंग वगैरह के भी?
उसके लिए अलग से गाड़ियों की व्यवस्था हमारे पास है। उनका जहाँ जाने का मन होगा, मांगकालेश्वर जाना, ओंकारेश्वर जाना है, या खजराना जाना है, या लोकल कहीं घूमने का वो है। हम तो देखिए, एक विशेष बात यह है कि परिवार के हिसाब से उनके साथ में कैसे रह सकें, ये एक हमारा विशेष ध्यान देने का मौका है। तो माना जाए कि सुपर स्टार होटल की तरह भी उनको यहाँ पे रहने की हर सुविधा मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, पूरी कोशिश है। देखिए, ये एक मौका है जिंदगी में, बाकी सब चीज़ें सेकंड है, ये एक मौका है जिसको हम भुनाना चाहेंगे एक अच्छे रूप में, परिवार के रूप में कोई आ रहा है तो उनका हम सत्कार कर सकें। अच्छा मुंगल जी, देखा जाता है कि हमारे वहाँ पे दो भाव जिस तरीके से आते हैं मेहमान, उनकी मेजबानी भी की जाती है, और जाने के समय कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है, रिटर्न गिफ्ट बोले तो हम ऐसा क्या दें? देखिए, गिफ्ट में मैं विशेष रूप से बोलना चाहूँगा, उनकी रुचि के हिसाब से हमने एक तो सबसे मेन मेरा सोचना है कि भागवत गीता जी, डिजिटल भागवत गीता जी का एक वो किया है। मैं आपको इसमें बताना भी चाहूँगा कि गीता जी का जो सार है, हम उनको आते आने के बाद में एक बार इस चीज़ को उनको प्रोवाइड करेंगे, उनका अगर इसमें थोड़ी सी भी रुचि होगी तो, क्योंकि ये गीता भागवत गीता जी जो है ये डिजिटल है और 14 अलग अलग भाषाओं में इसका संस्करण है, तो इसी के अंदर उनको जिस भी लैंग्वेज में इसका अगर सार समझना है, भजन है, मेडिटेशन है, इसमें सभी चीज़ों का समावेश है, तो हम ये तो उनको यहाँ तो देंगे ही, बाकी अगर उनके साथ अगर वो लेके जाएंगे तो और हमें अच्छा लगेगा। और जहाँ तक आपने बोली कि कुछ देने की बात, तो देखिए हम आतिथ्य, मतलब हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि आज हमारे बीच में कोई आ रहे हैं तो उनका हम आतिथ्य कितना अच्छे रूप में कर सकें, इंदौरी स्वरूप में, ये विशेष रूप से मैं बोलना चाहूँगा। इसके पीछे भगवत गीता देने के पीछे, जो डिजिटल भगवत गीता आप दे रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, आज दो चीज़ें, भगवत गीता का जो सार है ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आ रहे हैं ये NRIs है, कहीं ना कहीं बेसिक भारतीय हैं, और गीता का जो सार है ये कहीं एक अच्छा उपदेश मानवता के लिए है, इसीलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में महेश्वरी समाज के अध्यक्ष राजेश मुंगल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो डिजिटल भगवत गीता इनके द्वारा दी जा रही है, इसके पीछे मकसद साफ यही है कि जो आने वाले प्रवासी भारतीय हैं वो इसको ग्रहण करके इसके शब्दों का जो भी इसमें है उसका अनुसरण करें, और यही उनकी इच्छा भी रहे। फिरोज खान, ABP News, इंदौर।